दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका एक बार फिर से हेल्दी हेल्थ फॉरएवर चैनल पे स्वागत है। मैं आपके सामने इसी तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूं। आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है डॉग बाइट या कुत्ता काटने की बीमारी। एक्चुअल में क्या था कि मैंने एक शॉट डाला था और उसमें मुझे उतने सारे कमेंट्स आए और क्वेश्चंस आए, खास तौर से इस चीज को लेके कि अगर कुत्ता काटने तो क्या करें, वैक्सीन कब लगाना चाहिए, कितनी देर में वैक्सीन लगाना ठीक रहेगा, क्या महीने भर बाद भी कुत्ता काटने की वैक्सीन लगा सकते हैं, अगर कुत्ता मर गया हो तो क्या करें, और अगर हमने वैक्सीन ना लिया हो तो क्या करें, उसके लक्षण क्या होते हैं, बीमारी अगर हो जाए तो क्या इलाज पॉसिबल है। ये सारे सवाल जब आए तो आई थॉट कि मुझे एक डिटेल वीडियो उसमें बनाना चाहिए और इसीलिए मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बड़ा कॉमन है हिंदुस्तान में। स्ट्रीट डॉग बहुत सारे हैं, वो वैक्सीनेटेड भी नहीं होते, आपको पता है। घर में फिर भी जो डॉग्स हैं वो वैक्सीनेटेड होते हैं, वो फिर भी सेफ है। अगर वैक्सीनेटेड डॉग किसी को काटता है तो आप सेफ हैं, आपको खतरा नहीं है। लेकिन अगर किसी स्ट्रीट डॉग ने आपको काट ही नहीं लिया, उसने इवन आपको स्क्रैच भी कर दिया, आपकी थोड़ी सी स्किन भी अगर ब्रेक हो गई, तब भी आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए। अब अगर आपको देखिए कुत्ते ने काट ही लिया है तो फिर बहुत सारे मरीजों का पहला सवाल ये आता है, या जो मुझे व्यूअर्स ने सवाल पूछे कि लक्षण क्या होते हैं। देखिए लक्षण तो तब डेवलप होते हैं जब आपको बीमारी बढ़ जाती है। अब कई बार ये हो सकता है कि भाई कुत्ते ने एक तो काटा कहाँ पे है, उस पर भी डिपेंड करता है रिस्क। दूसरा ये भी होता है कि कितना गहरा, कितना ज्यादा काटा है। अगर थोड़ा मोड़ा काटा है तो कोई बात नहीं है, बट यस, आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका ले लेना चाहिए। वो उनको क्लीन कर देना चाहिए, अच्छे से वॉश कर देना चाहिए, कोई एंटीबायोटिक प्रिपरेशन लगा देना चाहिए। कई बार बहुत ज्यादा कुत्ता काट लेता है, फेस एज पे काट लेता है, तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है और उससे खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय भी आपको उस सबकी केयर करने की जरूरत होती है कि आपके वुंड के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो देखिए उस जगह पर स्वेलिंग आने लगती है, वुंड में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको बुखार भी आ सकता है, दर्द हो सकता है, और अगर ये बीमारी फैल जाए जिसको ट्रीट करना फिर बड़ा मुश्किल होता है, उसमें मरीज को पहला लक्षण आ जाता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि मरीज को पानी से ही डर लगता है। उसका रीजन यह है कि उसके जो गले के मसल्स हैं वो पैरालाइज होने लगते हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो पानी पी नहीं पाता है, उसको तकलीफ होती है, इसलिए इसको वो लक्षण आता है। तो चलिए, तो हमने लक्षणों की बात कर ली, अब बात करते हैं कि इसके वैक्सीन कैसे होते हैं। देखिए, जो इसका वैक्सीन है, जनरली आपको जब भी कुत्ता काट लेता है तो विद इन 24 आवर्स आपको ले लेना चाहिए। फिर भी अगर देर होती है तो मैक्सिमम लिमिट होती है 72 घंटे के अंदर अंदर आप ले लें तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप लेना भूल भी गए और आपको याद आता कि नहीं यार मैंने तो लिया नहीं था, कुत्ता भी देखिए पता नहीं मरा नहीं पता हमें नहीं पता, फिर भी आपको वैक्सीन लेना नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप महीना भर भी लेट ही हो गए या उससे ज्यादा भी अगर लेट हो गए, उसका फायदा यह होगा कि आपको प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर काम करेगा, यानी कि अगर दोबारा कोई कुत्ता काट भी लेता है तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा, और हो सकता है पहले जो काटा था जिसने उससे भी आपको थोड़ा बहुत बचाव मिल जाए। अब देखिए, इसमें दो तरह के वैक्सीन लगते हैं, मतलब दो तरीके से वैक्सीन लगते हैं। वैक्सीन के नाम अलग अलग होते हैं, अभिरब आता है, रेबुकोर आता है, इस तरह के वैक्सीन आते हैं जो मिल जाते हैं। आपको अपने डॉक्टर की सलाह मशवरे पे ही इन वैक्सीन को लेना चाहिए, अपने आप से ना लें, क्योंकि इनके अलग अलग शेड्यूल होते हैं। तो अगर कुत्ता काट लेता है तो उसको आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी होता है, साथ ही फिर ये वैक्सीन का डोज डे वन पे ले लें तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, अगर कुत्ता काटने से पहले आपने वैक्सीन लेना है तो उसमें 3 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन अगर कुत्ता काटने के बाद आपको वैक्सीन लेना है तो उसको 5 इंजेक्शन लगते हैं। 5 इंजेक्शन पूरे लें, उसको कम ना करें। उसका शेड्यूल भी ये होता है कि आपको एक इंजेक्शन 0 डे पे लेना होता है, यानी कि जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा उसी दिन अगर आप लेंगे वो 0 डे काउंट होता है। फिर कुत्ता काटने की डेट से 3रा दिन, फिर कुत्ता काटने की डेट से 7वां दिन, 14वां दिन और 28वां दिन, इस तरीके से आपको एक महीने में 5 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। 0, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज। तो ये आपका रेजिमेन या आपका पूरा इम्यूनाइजेशन होता है और आपको फिर कोई भी खतरा नहीं होता है रेबीज की बीमारी होने का। एक और इलाज होता है जिसमें इम्यूनोग्लोबिन दिए जाते हैं, ये एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करते हैं, ये बहुत फायदा भी इनसे जल्दी होता है। आजकल एक ही एक इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन दिया जाता है, बट इसको प्रेफरेंस होता है कि जिस दिन कुत्ते ने काटा है उसी दिन ये इम्यूनोग्लोबिन दिए जाए तो इनका रिजल्ट अच्छा आता है। बाकी ट्रीटमेंट्स देखिए क्या हो सकते हैं, फिर तो बाकी सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। अगर एक बार बीमारी हो जाती है तो फिर जान बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इवन ये मरीज भी इन्फेक्टिव हो जाता है, इसको जब रेबीज हो जाता है, इवन इसका सलाइवा लार अगर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को लग जाता है तो उसको भी रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आपके घर में देखिए कुत्ता अगर आप पालते हैं, अच्छी बात है, आप जानवरों से मोहब्बत करते हैं, तो उसको वैक्सीन जरूर लगवा लें, सो दैट आपका परिवार या आपके मिलने वाले उससे बचे रहे। एक सवाल और रह जाता है कि अगर कुत्ते ने काटा
और वो हफ्ते 10 दिन में मर गया। देखिए फिर बड़ा रिस्क है, अगर कोई भी डॉग काटने के 21 दिन के अंदर अंदर मर जाता है तो ये मान के चला जाए कि उसको रेबीज था और आप रिस्क पे हैं। तो ऐसे समय तो बिल्कुल भी आप रिस्क ना लें, फौरन आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर को जाके दिखाएं, सलाह मशवरा लें और अपना इलाज समय पे शुरू कराएं, जिससे आपकी जान बच पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वाकई भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा लोगों को शेयर कर लें। पहली बार अगर मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।